तो नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आज के मकर राशि फल में। दोस्तों, आइए जानते हैं मकर राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, विस्तार से पूरा समझेंगे। दोस्तों, अगर आप मकर राशि के हैं तो चैनल से सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिख लें। आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि मकर राशि वालों को आज व्यापारिक कार्य साधारण रूप से चलते रहेंगे और नए व्यापारिक संबंधों से आपके भाग्य का सितारा चमकेगा। काम धंधे के समय व्यापार की स्थिति सामान्य रहेगी। रोजमर्रा के जुड़े सामानों के संबंधित फास्ट मूविंग उत्पादों की बिक्री ठीक ठाक चलती रहेगी। लोहे व प्लास्टिक से जुड़े काम में अच्छा कारोबार होगा और नए ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के काम में आज सुस्ती देखी जाएगी। दोस्तों, आइए जानते हैं पारिवारिक जीवन आज का कैसा रहने वाला है। पति पत्नी के मध्य किसी बात पर टकराव हो सकता है जिससे आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। दिन के उत्तरार्ध में अचानक अतिथियों का आगमन भी हो सकता है। पिता के मार्गदर्शन से संतान से जुड़ी समस्या को हल करेंगे। संयम काल का समय मित्रों और परिजनों के साथ परिहास में व्यतीत होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं आज आपकी सेहत कैसे रहने वाली है। आज आपकी सेहत की बात करें तो आज मकर राशि के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन दिन भर आलस की स्थिति बनी रहेगी। ऊर्जा का स्तर निम्न रूप से रहेगा। सुबह उठकर योगा व ध्यान करना लाभकारी रहेगा और आप अत्यंत खुशहाल भी रहेंगे। रोजाना योगाभ्यास करेंगे तो शारीरिक और मानसिक थकावट दोनों दूर रहेगी और आप बेहतरीन महसूस करेंगे। आइए जानते हैं मकर राशि का शुभ कलर क्या कहता है। दोस्तों, मकर राशि वालों के लिए नीला कलर बहुत ही शुभ माना जा रहा है। नीला कलर के व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली साबित होते हैं जिनकी किस्मत में नीला कलर होता है। तो आज मकर राशि वालों को नीला कलर मिला है, यानी कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज आपके पुराने काम बनने के पूरी संभावना है। दोस्तों, कुछ नया काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आज अवश्य कर लें। नीला कलर का वस्त्र धारण जरूर करें, उससे आपको अत्यंत खुशहाली मिलने वाली है। आइए उपाय जान लेते हैं। उपाय जानना बहुत ज़रूरी है। उपाय जानने से आपको ये पता चलेगा कि हमारे जीवन में अगर कुछ अनहोनी होती है तो हमें क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं रुकावट व बाधाओं से मुक्ति के लिए सोमवार को व्रत रखें और गौरी शंकर रुद्राक्ष शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही सुबह शाम शिव मंदिर में रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें।